कांग्रेस के अनुसूचित जाति सेल के प्रमुख डॉक्टर नितिन राउत इनके नेतृत्व में दिल्ली में एक जो घटना घटी उस घटना के खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली की जो घटना है, एक बड़ी छोटी सी 9 साल की बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है और इसका हम निषेध करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कांग्रेस की ओर से नितिन राउत जी के नेतृत्व में वहाँ पर आज धरना आंदोलन हुआ है, ये केवल ढोंग है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा घटनाएं ये महाराष्ट्र में हो रही है। उसमें की किसी भी घटना के घटनास्थल पर डॉक्टर नितिन राउत नहीं गए, उनकी सरकार महाराष्ट्र में वहाँ पर जाकर किसी परिवार को नहीं मिले, उन्होंने उस परिवार की आवाज़ को नहीं उठाया, अपनी सरकार के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप उत्तर प्रदेश में जाकर आंदोलन करते हो, दिल्ली में जाकर आंदोलन करते हो, और आपके नाक के नीचे महाराष्ट्र के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से दलित हमारे बच्चे जो है, बच्चियां जो है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को जलाया जा रहा है। आज मैं प्रमुख रूप से अगर कुछ घटनाओं का उल्लेख करूं तो हर महीने में घटी हुई गंभीर घटनाएं, बाकी घटनाएं भी गंभीर है, लेकिन उसमें जो ज़्यादा गंभीर घटनाएं उनका भी अगर मैं उल्लेख करूं तो 27 मई को नरखेड़ नागपुर में एक दलित जो युवक है उसकी हत्या की गई, 7 जून को पुणे में हत्या की गई, 27 अक्टूबर को कोल्हापुर में एक 20 वर्षीय बच्ची पर बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, पारोला में एक दलित महिला पर बलात्कार किया गया, दिसंबर 2020 में जलगांव जिले में वापस इसी प्रकार की घटना हुई, फरवरी 2021 में सोलापुर में 16 साल की एक दलित बच्ची के ऊपर लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, जून 2021 में भिलवड़ी जामनेर में एक दलित लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, जुलाई में बुल्ढाना में एक दलित समाज के अपंग लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ, 29 जुलाई को नागपुर के टिमकी परिसर में एक दलित तरुणी पर बलात्कार हुआ, 1 अगस्त को एक 35 वर्षीय महिला का खून कर दिया गया, 20 जनवरी को नांदेड़ में घटना हुई, 5 फरवरी को सिल्लोड में इसी प्रकार की घटना हुई, 17 फरवरी को डोंगरगांव औरंगाबाद में एक दलित समाज की माता और उनके बेटे को जिंदा जलाया गया, 14 मार्च को एक और औरंगाबाद में इसी प्रकार की घटना हुई, 25 मई को बाबुलगांव बीड़ में इस प्रकार की घटना हुई, 27 मई 2020 को चिखली बुल्ढाना में इसी प्रकार की घटना हुई, 19 मई को घनसावंगी में घटना हुई, 24 जून को सावरखेड़ा में घटना हुई, 25 जून को एक दलित हेडमास्टर को मारा गया, 25 अगस्त को शिरडी में एक दलित युवती को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसको कुछ लड़के कल कर रहे थे, 4 सितंबर को 2 दलित युवाओं की हत्या की गई, 11 नवंबर को लातूर में एक हत्या की गई, 9 दिसंबर को एक बिलोली में दिव्यांग दलित महिला के ऊपर बलात्कार किया गया, 11 दिसंबर को इसी प्रकार से भीड़ में एक घटना हुई, 21 जनवरी को एक नांदेड़ में एक अल्पवयीन दलित लड़की के का बलात्कार भी हुआ और उसकी हत्या भी हुई, 8 फरवरी को जामनेर में 15 वर्षीय एक लड़के ने आत्महत्या की क्योंकि उसको जात के ऊपर चला गया, 19 फरवरी को लातूर में घटना हुई, 21 फरवरी को नांदेड़ में घटना हुई, ऐसी कई घटनाएं, मैं अगर उसकी लिस्ट आपके सामने रखूं तो बहुत समय उसमें जाएगा, ऐसी कई घटनाएं होने के बाद न तो इन घटनाओं के ऊपर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से नितिन राउत जी की ओर से जताई गई, न उनको कोई मदद की गई, न उनके परिवार में वो गए, कुल मिलाकर केवल राजनीति के लिए दिल्ली में जाकर
इस प्रकार का आंदोलन करना ये पूरी राजनीति है, और इस प्रकार से ऐसी घटनाओं में भी राजनीति करना हम इसका निषेध करते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।